एनएमयू बीकॉम बीए बीएससी पार्ट टू जिनका सत्र 2022 से लेकर 25 तक है, उनका रिजल्ट कब आने वाला है साथियों, आप सभी को बता दें, एलएनएमयू पार्ट टू का एग्जाम 20 जून को शुरू हुआ था और बीकॉम वालों का फिनिश 11 जुलाई को हो गया था। अब दोस्तों, जो रिजल्ट होता है वो जनरली तौर पर 3 मंथ का टाइम लेता है टेंडेट, और आपको बता देते हैं सर कि 3 मंथ मतलब जुलाई के 3 मंथ के बाद ही आपका रिजल्ट आने वाला है। करीबन करीबन आपको बता दें, अक्टूबर के लास्ट मंथ या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक, अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। तो उससे पहले दोस्तों चलते हैं पार्ट थ्री का, अभी तक तैयारी आप लोग शुरू नहीं किए तो पार्ट थ्री का तैयारी करने के लिए वैभव कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम लोग वैभव कॉमर्स क्लासेस के चैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे जाते ही LNMU पार्ट थ्री यहाँ पर स्लॉट दिख जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आपको ऑनर्स पेपर, चारों का चारों ऑनर्स पेपर का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन किया गया है। साथियों, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिया गया है। आप लोग पहले देख लीजिए कौन कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना हुआ है, उसका आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ साथियों, जब आप बीकॉम पार्ट थ्री एग्जाम यहाँ पर 2024 पर क्लिक करेंगे, तो ये जैसे आप क्लिक करोगे तो जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो भी वीवीआई एमसीक्यू, सॉरी वीवीआई जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल्स है, सारा का सारा क्वेश्चन वहाँ पर बताया गया, आप देख कर पढ़ सकते हो। तो अभी से तैयारी में लग जाइए साथियों, क्योंकि पार्ट थ्री का जो एग्जाम है वो मार्च में शुरुआत में 2025 में हो जाएगा। तो अगर आप लोग वेट कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा राजा, वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 2025 मार्च के ही मंथ में आपका 4 ऑनर्स पेपर का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें अगर लग गया ना डंका तो दिक्कत हो जाएगा राजा, इसलिए शुरुआत कर देना, ठीक है। तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो करीबन करीबन आपको मैं बता दूं, अक्टूबर में आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अगर थोड़ा सा एलएनएमयू तेजी बरते तो करेगा, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं बनता राजा, कोई चांस ही नहीं बनता। सुनो ध्यान से, नवंबर के फर्स्ट वीक में लगता है 6, 7, 8, 10 तक तारीख तक के बीचों बीच में सबसे पहले बीकॉम का निकलेगा। और कैसे निकलेगा, तो आपको सीधा मार्कशीट के तौर पर मिलेगा, पीडीएफ के तौर पे नहीं निकलेगा। आपको यहाँ पर एलएनएमयू के वेबसाइट पर चल जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना राजा, इधर उधर मत भटकना, यहाँ पर जाना है ऑनलाइन पोर्टल यूजी पर। जैसे आप क्लिक करोगे ऑनलाइन पोर्टल यूजी पर क्लिक करते ही पीछे जाओगे, यहाँ पर देखिए न्यू 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 यहाँ पर आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर अभी सेमेस्टर वन का रिजल्ट आया था तो वो है, ये देखिए पहले वाला पिछले वाला है, तो वहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका खुलकर निकल जाएगा, आप आसानी से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट है, यहाँ रोल नंबर डालते हैं, क्लिक हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग रिजल्ट का चिंता बिल्कुल मत करना, रिजल्ट का समय बर्बाद मत करना, पार्ट थ्री का तैयारी शुरू कर दो। 4 ऑनर्स पेपर रहेगा, अभी पिछले 2 सालों से आप केवल 2 ऑनर्स पेपर दे रहे हो, तो इसका तैयारी कीजिए। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी तो नहीं आएगा, पार्ट थ्री का भी बहुत देर थोड़ी आप देख ही रहे हो।